महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का कहर। वॉशिम के हॉस्टल में 190 स्टूडेंट संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। वॉशिम जिले में बुधवार को 318 नए मरीज मिले हैं। खास बात यह है कि नए मरीजों में 190 छात्र शामिल हैं। जेपी नड्डा ने बंगाल में लॉन्च किया सोनार बंगला मिशन। एक्ट्रेस पायल सरकार हुई बीजेपी में शामिल। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को बंगाल में बीजेपी के मिशन सोनार बंगला कैंपेन को लॉन्च किया। इसके तहत 2 करोड़ लोगों तक पहुंचा जाएगा और मैनिफेस्टो के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। कैंपेन लॉन्च के दौरान गुरुवार को बंगाली एक्ट्रेस पायल सरकार ने भाजपा ज्वाइन की। मछुआरों संग समुंदर में राहुल गांधी ने लगाई डुबकी, पकड़ी मछलियाँ। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मछुआरों के जीवन को करीब से देखने समझने के लिए उनके साथ समुद्र में डुबकी लगाई। इससे पहले नौका में सवार होकर वो केरल के कोल्लम तट पर समुद्र में गए और जब मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तो वे भी बाकी मछुआरों के साथ पानी में उतर गए। उन्होंने भी मछुआरों संग मछलियाँ पकड़ी। कोलकाता में ओबीसी को नहीं मिली रैली की अनुमति, कार्यक्रम हुआ रद्द। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी गुरुवार को चुनावी विगुल फूंकते हुए कोलकाता में रैली करने वाले थे, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। रेलवे ने चुपके से बढ़ाया छोटी दूरी की ट्रेनों का किराया, खुलासा होने पर दी सफाई। रेलवे ने कम दूरी की ट्रेनों का किराया चुपके से बढ़ा दिया। इसके बाद अमृतसर से पठानकोट का किराया 25 से बढ़कर 55 हो गया। मंत्रालय ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि कोरोना को देखते हुए आवश्यक यात्राओं में कमी लाने के लिए किराए में मामूली वृद्धि की गई है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।